टुडे सेशन इज 91 और जो हमारा आज का सेशन का एजेंडा है वो है हमारा फर्टिलाइजेशन इन एक्वा कल्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा कंप्लीट टॉपिक रहेगा वो है हमारा फर्टिलाइजेशन इन एक्वा कल्चर, और जो हम स्पेशली आज कवर करेंगे पॉन्ड्स के लिए और बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर एनपीके, जिसमें आपका नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और पोटेशियम है। What is the role of calcium or magnesium? It is required for the good ecosystem or for the pond productivity. It is a free awareness initiative on a World Fisheries Day 2021. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल Ancient India Agri Business को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। Also press the bell icon so that you can get the latest update for our upcoming video. It is an initiative towards the success of aquaculture. और जितना भी कंटेंट होगा वो हमारा हिंदी और इंग्लिश में होगा। एक कदम मत्स्य पालन सफलता की ओर। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था एनपीके को लेके, जिसमें एनपीके आपका एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, पी स्टैंड्स फॉर फास्फोरस और के स्टैंड्स फॉर पोटेशियम। तो बहुत ज्यादा रोल है आपका पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी में, क्योंकि वो सबसे पहला कंपोनेंट आपका डेवलप करेगा। तो जो आपके फर्टिलाइजेशन है बेसिकली वो दो तरह से हो सकते हैं, एक नेचुरल हो सकता है और दूसरा सिंथेटिक सब्सटेंस हो सकते हैं, जिन्हें आप पॉन्ड में यूज करते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेचुरल फूड। और जो नेचुरल फूड होगा इजिली डाइजेस्टेबल होगा, सिंगल सेल प्रोटीन होगा और उसमें जितना भी अमीनो एसिड है, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिशन है वो ऑलरेडी होंगे, क्योंकि इट इज गिवन बाय द नेचर। तो जो ऑर्गेनिज्म में है, सबसे पहला फाइटोप्लैंकटन जिसे आप पादप प्लवक बोलते हैं, जूप्लैंकटन जिन्हें आप जंतु प्लवक बोलते हैं और इंसेक्ट्स उसमें आते हैं। तो अगर आपकी कार्प या एग्जॉटिक कार्प्स हैं तो वो फाइटोप्लैंकटन और जूप्लैंकटन दोनों को ही यूज करते हैं, और जो आपकी कैटफिश है वो जू प्लैंकटन और इंसेक्ट्स दोनों को यूज करते हैं। तो आपकी पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी में, आपके एफसीआर को कम करने में इन सब चीजों का बहुत यूज है। तो जो कंप्लीट आपका कॉम्प्लेक्स फूड वेब है कवरिंग टुवर्ड्स फिश प्रोडक्शन, ये उसका प्राइमरी सोर्स है कि जहां से आपके पॉन्ड में इनिशियल फूड प्रिपेयर होगा विद द हेल्प ऑफ सन। तो ये आपका ऑटोट्रॉफिक होगा और जो भी क्रिएट होगा वो आपके ऑटोट्रॉफ्स होंगे। तो जो अवेलेबिलिटी है उनका इंक्रीज करने के लिए मेजर न्यूट्रिएंट्स, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम टू टाइम फर्टिलाइज करना पड़ेगा। तो वो आपके एल्गी को ब्लूम करेंगे जो नंबर ऑफ फिशेस का फूड है, और अगर हम अपने विद इन इंडिया में बात करें तो कार्प अब भी हमारा नंबर वन प्लेयर है आपका फ्रेश वाटर स्पीशीज में। तो फर्टिलाइजेशन आल्सो लीड टू डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स विच फीड ऑन एल्गी इंक्लूडिंग सम फिश सच एज द कतला, सिल्वर कार्प, तिलापिया और भी बहुत सारी स्पीशीज इसके अंदर आता है। तो जब भी आप अपना पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का सोचें तो एक बेसिक साइकिल है कि जहां से वो शुरुआत करेगा। तो जो आपका सबसे पहला फूड वेब है वो आपका फाइटोप्लैंकटन है, उसके बाद आपका जूप्लैंकटन है, उसके बाद आपके स्मॉल फिशेस, बिग फिशेस और जो भी आप न्यूट्रिएंट्स वहां पे यूज कर रहे हैं। अगर आपका सॉयल बेस्ड पॉन्ड है तो वहां पे भी उसके न्यूट्रिशन लॉस होते हैं। अगर वो सैंडी सॉयल है तो वहां पे आपके न्यूट्रिशन ज्यादा लॉस होंगे क्योंकि पानी रिटेन नहीं कर पाती है वो सॉयल। अगर आपका ज्यादा मडी है, वहां पे ज्यादा क्ले है तो उसमें ज्यादा ब्लूम होगा क्योंकि फास्फोरस वगैरह आपका वहां पे ज्यादा उसको मिलेगा, तो उन पॉन्ड्स में ज्यादा ब्लूम होगा। तो आपको सभी चीजों पर फोकस करके देन यू अप्लाई द फर्टिलाइजेशन। तो जो आपके फर्टिलाइजेशन है वो आपके दो फॉर्म में आपको मिलते हैं, एक आपका ऑर्गेनिक है, एक आपका इनऑर्गेनिक है।
पर उससे भी पहले आपको समझना पड़ेगा अपना वाटर क्वालिटी को, क्योंकि जो आपकी वाटर क्वालिटी है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है, आपका प्राइमरी कंपोनेंट जो है आपका टेम्परेचर है, क्योंकि जितना भी आपके एक्वाटिक एनिमल्स है अगर आप देखें उनको तो कोल्ड ब्लडेड स्पीशीज है, अगर आप कोल्ड वाटर स्पीशीज को छोड़ देते जिसमें ट्रॉट वगैरह आपका आता है। पीएच आपका मेजर पैरामीटर है एल्कलिनिटी और डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल। तो अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो मिनरल्स और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जिसे बोलते हैं विच कंटेन ओनली मिनरल न्यूट्रिएंट्स, कोई उसके अंदर और फर्दर ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता। तो बेसिकली आपको वो इंडस्ट्रियल से मिलते हैं, अगर जैसे आप समझने का कोशिश करें तो एप्सन सॉल्ट जिसे आप मैग्नीशियम सल्फेट भी बोलते हैं, तो उसमें सिर्फ आपको मैग्नीशियम का कंपोनेंट मिलता है, पर आपकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में आपके मिनरल्स कंपोजिशन को बढ़ाने के लिए उनका यूज करते हैं, पर जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं वो आपके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं विच कंटेन अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स। दे आर प्रोड्यूस लोकली फॉर एग्जाम्पल एज ए वेस्ट फ्रॉम फार्म एनिमल्स और एग्रीकल्चर वेस्ट, जिसमें आप बात करें तो काउ डंग हुआ आपका, पोल्ट्री का वेस्ट हुआ, तो वो सब चीजें आपकी फर्टिलाइजर से एज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। तो क्या आपके एडवांटेज हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के? दोनों ही आपके यूज होते हैं, तो दोनों के ही अपने अपने एडवांटेज अपने अपने डिसएडवांटेज हर एक चीज के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो बेसिकली जो आपको चूज करना है वो आपकी लोकल अवेलेबिलिटी कि उनकी आपके पास उपलब्धता क्या है और आपके फार्म का साइज क्या है और कॉस्ट उसका क्या है, क्योंकि आउटपुट तो आपका पहले से ही डिफाइन है पर आपका जो बेसिकली डिपेंड करेगा वो आपका इनपुट जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो छोटे लेवल के फार्मर हैं या मार्जिनल फार्मर बोले या स्केल फिश फार्मर बोले वो बेसिकली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पर ज्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि एक तो वो सस्ता है और लोकली उनको अवेलेबल है, पर जो कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं लार्ज स्केल फिश फार्मर हैं वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है, क्योंकि इजिली स्टोर कर सकते हैं और इजिली उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कंपैरिजन है मोटा मोटा कुछ पॉइंट्स को लेके जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच में है। स्टोरेज अगर उनको देखें तो डिफिकल्ट है और बहुत छोटे टाइम के लिए आप उनको स्टॉक कर सकते हैं, पर आपके पास लोकली अवेलेबल है तो यू कैन इजली यूज इट। इनऑर्गेनिक इजी है और पॉसिबल है, उनकी शेल्फ लाइफ जो होता है बहुत लंबा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन है अगर आप कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं बड़े लेवल पे अपना कल्चर कर रहे हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट है, जबकि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सर उसमें इजली आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इजली डिजोल्व है। मिनरल कंटेंट्स अगर उनमें देखें तो जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं उसमें लो होते हैं आपके, आपको फिर भी बैलेंस करना पड़ेगा, जबकि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में केमिकली उनको फॉर्म किया है सिंथेसाइज उनको इस तरह से किया है तो हाई और वेरी हाई तक होता है। ऑर्गेनिक मैटर जो अगर देखें तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं तो ऑब्वियसली उसमें प्रेजेंट होगा, जबकि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में वो नहीं होगा, जिस भी मिनरल के लिए वो बनाए सिर्फ वही कंपोनेंट आपको मिलेगा। इफेक्ट अगर देखें सॉयल पे अगर आपका अर्दन पॉन्ड है तो डेफिनेटली इंप्रूव करेगा, क्योंकि एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से, जबकि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में सिर्फ आपको पर्टिकुलर वही सॉल्ट मिलेगा। अगर डायरेक्ट फूड का बात करें तो यस, अगर आप कार्प का कल्चर है तो डेफिनेटली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सर एज अ सप्लीमेंट फीड का काम करेगा, जबकि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सिर्फ आपके इकोसिस्टम को सपोर्ट करेगा। डीकम्पोजिशन प्रोसेस जो है यस, वो आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में बहुत लगेगा और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेशन के लिए जरूरी है, तो जब भी आप उसको अप्लाई करें तो जो आपकी सन की कंडीशन है, जो आपकी पॉड की कंडीशन है, आपकी स्टॉकिंग डेंसिटी है, उसके अकॉर्डिंग उनको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करके दें, एक साथ डंप ना करें। प्राइसिंग की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन हमेशा आपके लो टू मीडियम ही होंगे, जबकि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन जो है हाई होंगे आपके।
अवेलेबिलिटी आपकी जो है, आपको इजीली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन आपकी नियर बाय मिल जाएंगे, जबकि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन एवरी टाइम आप डिपेंडेंट है कमर्शियल सप्लायर पे। डायरेक्ट पॉन्ड फर्टिलाइजेशन आप देखें तो पॉसिबल बाय रेजिंग एनिमल और योर नियर द पॉन्ड आपको मिल जाएंगे, जबकि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन हमेशा आपकी डिपेंडेंसी आपके सप्लायर पे रखेंगे। तो कुछ पुअर वाटर क्वालिटी पैरामीटर हैं जो डिसाइड करते हैं कि कब आपको अप्लाई करना है कब नहीं करना है। तो तीन आपके मेजर हैं एनपीके, तो जिसमें अगर हम बात करें फॉस्फेट अगर लेस देन 0.1 मिलीग्राम पर लीटर या पीपीएम, नाइट्रेट्स 2 मिलीग्राम पर लीटर या उससे लेस, पोटेशियम, पोटेशियम का कंटेंट हमेशा कम होता है 0.1 मिलीग्राम पर लीटर, और कैल्शियम मैग्नीशियम एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है पर कभी भी 15 मिलीग्राम पर लीटर से कम नहीं होना चाहिए, और ये एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन है जो FAO की तरफ से, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इस पे पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि एक पब्लिक इंफॉर्मेशन है। तो अब आप सब चीजें सीख गए हैं, एनपीके का रिक्वायरमेंट क्या है, ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है, तो अब आप फर्टिलाइजेशन को डिसाइड कैसे करेंगे। तो आप जैसा कि लेफ्ट साइड में देख रहे हैं सांची डिस्क है, जब आप इसको पॉन्ड में डिप करेंगे तो आप देखेंगे कि कहाँ तक आप इसको देख पा रहे हैं, 10, 15, 25, 35, 40, 50, 60 सेंटीमीटर, जहां तक की भी विजिबिलिटी है वो ही डिसाइड करेगी कि आपको फर्टिलाइजेशन देना है या नहीं देना है। राइट साइड में आप देख रहे हैं कि आप एक आम है, आपका हाथ डाल के भी आप उसको देख सकते हैं, अगर लास्ट फिंगर तक आपकी शो नहीं हो रही है तो ये एक साइन है कि आपका फर्टिलाइजेशन गुड है, अदरवाइज आप पानी की कंडीशन को देख के भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा ब्लूम है तो वहां पे आपका फॉस्फोरस और नाइट्रोजन दोनों का रोल अभी बहुत ज्यादा है तो फर्टिलाइजेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर वो ज्यादा है तो आप उसमें अपना ऑर्गेनिक जूस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, आप अपना राइस ब्रैन को फर्मेंट करके यूज कर सकते हैं, मोलासिस यूज कर सकते हैं कि आपका फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन दोनों का ही बैलेंस वहां पे बना रहे। आगे के वीडियो में भी हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपके कुछ भी सवाल हैं, जवाब हैं, कुछ भी कमेंट है, निगेटिव पॉजिटिव और भी किसी विषय पर आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के साथ वो डिटेल आपको देने का कोशिश करेंगे। अगर अब आप हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर कुछ पूछना चाहते हैं तो 9971155753 इज आर नंबर। वी आर एंशियंट इंडिया एग्री बिजनेसेस, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज एंड सिक्योर योर इन्वेस्टमेंट। वी आर वर्किंग एज अ प्रोग्रेसिव फार्मर, ट्रेनिंग एंड नॉलेज पार्टनर, कंसल्टेंट, बिजनेस प्लानर एंड पार्टनर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एंशियंट इंडिया एग्री बिजनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट फॉर अवर अपकमिंग वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे सभी जो भी फार्मर जुड़े हुए हैं एक्वाकल्चर से वो इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।